अगर है ये दुनिया, ये कौन बनाने वाला है? वो परम पिता शिव है, बैठा जो ऊपर वाला है। तो आइए, आपके सामने प्रस्तुत है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा एक लघु नाटिका परमात्मा का सत्य परिचय। संसार में हर एक मनुष्य सत्य की खोज में इधर उधर भटक रहा है। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, ये आज भी एक पहेली है। तो वास्तव में ईश्वर कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। कोई कहता है नूरे इलाही, कोई कहता है गॉड इज लाइट, कोई कहता है एक ओमकार, तो कोई कहता है एक महाज्योति। इन सब का शाब्दिक अर्थ तो एक ही है कि ईश्वर एक प्रकाश है। लेकिन ये प्रकाश है कौन? ये भी तो कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन ये है कौन? ये ही पता करने तो स्वयं हम अब धरती पर आए हैं। अरे सुन, ये राजा इतना धनवान कैसे बन गया? और इसको इतना धनवान बनाया किसने? ये शान, ये शौकत, अरे अरे बचवा, देखी तुमने? ओहो, ये राजा हनुमान जी के मंदिर में। अच्छा, ये हनुमान जी से मांगता है। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। यू चलो रावी का तेरा बना बैग। अच्छा, राजा हनुमान जी के मंदिर में आ गया। इसका मतलब ये राजा को राजा ही हनुमान जी ने दी है। अब इसका सीक्रेट मुझे पता लग गया। नारायण नारायण।
मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में याद छोड़ जाता है। इस राजा ने तो हमें कंफ्यूज कर दिया यार। पहले ये हनुमान जी के मंदिर में थे और ये हनुमान जी राम जी के मंदिर में। ओ ये सीक्रेट है। अरे बचवा देखा तुमने। Follow me. Not follow me. You follow me. अच्छा अच्छा okay okay. नारायण नारायण। श्री राम और शंकर जी? नो 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 नो। अरे अब ये दोनों किसके ध्यान में बैठे हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। मैं ही तुम्हारी माता और मैं ही तुम्हारा पिता हूं। मैं ही हूं जिससे तुम सारे संबंध जोड़ सकते हो। तुम्हारी तरह न तो मेरा जन्म ही होता है और न ही तुम्हारी तरह मैं कभी मरता हूं। मैं एक ज्योति हूं। मेरा स्वरूप अति सूक्ष्म बिंदु के समान है जिसे स्थूल नेत्रों से नहीं देखा जा सकता। तुम सब भी मेरी तरह ही अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हो। ओ हो 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 अब ये बात मुझे समझ में आई कि शंकर जी को पिक्चर में हमेशा
शिवलिंग के सामने ध्यान करते हुए क्यों दिखाते हैं? इसीलिए तो रामेश्वरम फेमस है। रामेश्वरम का मतलब होता है राम के भीष्म, यानी कि देवों के देव महादेव, निराकार परमात्मा शिव है, जिनका ध्यान मनुष्य ही नहीं बल्कि श्री राम और शंकर जी भी करते हैं। नारायण नारायण, जो गुत्थी मैं बरसों से सुलझाने की कोशिश कर रहा था वो आज जाके सुलझी है। इस बात से ये स्पष्ट हो गया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताओं के भी पिता परमात्मा शिव है, जो अनादि है, अनंत है। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।